अवैध असला के मामले में भुप्पी राणा गैंग का तीसरा आरोपी दो पिस्टल सहित गिरफ्तार। भुप्पी राणा गैंग के दो सदस्यों से अब तक कुल 9 पिस्टल किए गए बरामद। पुलिस उपायुक्त पंचकुला मुकेश कुमार मल्होत्रा के निर्देशानुसार क्राइम ब्रांच सेक्टर 19 इंस्पेक्टर मोहिंद्र सिंह ढांडावा उसकी टीम ने भुप्पी राणा गैंग के अन्य सदस्य आरोपी को अवैध देसी दो पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान साहिल कुमार पुत्र प्रवीण कुमार वासी गांव बरवाला चंडीगढ़ के रूप में हुई। पंचकुला पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 19 की टीम ने 13 सितंबर को बरवाला से विक्रांत उर्फ चिंटू को अवैध देसी 7 पिस्टलों के साथ गिरफ्तार किया था। जिस आरोपी ने रिमांड के दौरान खुलासा किया कि वह भुप्पी राणा गैंग का सदस्य है, उसके साथ मिलकर अवैध कार्य करता है, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने 18 सितंबर को भुप्पी राणा पंजाब नाभा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में खुलासा करते हुए अन्य तीसरे आरोपी साहिल कुमार उपरोक्त को अवैध दो देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी को तथा भुप्पी राणा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। भुप्पी राणा को रिमांड खत्म होने के बाद पेश किया गया था, क्या कवर हुआ है और आगे क्या रहेगा? इसमें जुडिशियल कस्टडी का माननीय न्यायालय ने इसमें आदेश दिया है। इसमें एक फाइल इसकी निशानदेही पकड़ा गया, इससे दो असली देसी पिस्टल बरामद हुई। अच्छा, तो अभी कितने आरोपियों को पेश किया गया था? आज 3 आरोपियों को पेश किया गया है। तो सभी को जुडिशियल का ऑर्डर दिया गया, तफ्तीश अभी जारी है। ठीक है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।